से ये इस पे टिका हुआ है, ठीक है। और इधर से मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, तो देखो हमारा टैंक। Hey, welcome back to my channel. This is me, your brother Danish. तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इंस्टॉलिंग, जो हमारा जो स्टॉक लेग गार्ड है उसको मैं रिमूव करूंगा, उसमें लगाऊंगा आफ्टर मार्केट लेग गार्ड, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया एक स्ट्रेट पाइप होगा। मैं दिखाऊंगा उसमें बहुत सारी क्वालिटी आती है, मतलब हल्की भी आती है और भारी भी आती है, लेकिन ये जो होगा पूरा आपके ऊपर होता है कि भाई आपको किस तरीके की लगवाना है, क्वालिटी कौन सी आप यूज कर रहे हो। तो गाइज मैं आपको पहले दिखाया था यहाँ पे किस तरीके के कौन कौन से लेग गार्ड्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले इस वाले लेग गार्ड की। जैसे कि आप देख रहे हो, तो इस जो ये वाली शेप में होगा ये ज्यादातर, मतलब ज्यादातर का ये प्रॉपर जो है उसका है, रॉयल एनफील्ड में यूज होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ने जो लगवा रखा है इधर इंस्टॉल, देखो ये वाला ये लगा हुआ, देख सकते हैं गाइस आप। तो इसमें दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, कलर ऑप्शन काफी मिल जाएंगे आपको। जैसे कि ये रेड दिख रहा है, स्ट्राइप आ रही है रेड वाली, इसमें येलो भी मिल जाती है, पूरा ब्लैक भी मिल जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा लगवाना है। बाकी जो है बुलेट में रहता है, सिंगल पीस वाला ये लेग गार्ड बोलूंगा इसको मैं, सिर्फ यहीं से इसकी फिटिंग है, नीचे कुछ नहीं होता, नीचे खाली होता है। और लुक आता है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कैसा लुक आ रहा है, सामने से बहुत ज्यादा अग्रेसिव लुक लगता है, साइड से देख रहे हो रेड का कॉम्बिनेशन जो आ रहा है ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। तो ये जो हो गए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्रोम फिनिश में यहाँ पे मिल रहा है आपको, और जो क्रोम जो होता है रस्ट फ्री होता है, मतलब कि इसमें आपको जंग वगैरह नहीं लगेगा। बस खाली यहाँ ये कि पानी इसमें रुका रह जाएगा तो जंग लगने के चांसेस हैं, बाकी अगर आप पानी से बारिश में भीग रही है आप थोड़ी देर बाद कपड़ा वपड़ा मार दोगे, मतलब साफ कर दोगे, क्लीन कर दोगे, तो क्या होगा जंग नहीं लगेगा इसमें, लॉन्ग लास्टिंग है काफी ज्यादा। और काफी ज्यादा हैवी क्वालिटी का है ये, मैं दिख रहा हूँ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी में, तो पता चल रहा है हाथ में लेके हाँ भी क्वालिटी बढ़िया वाली है इसमें। तो इसमें एक तो देखो डिजाइन कुछ ऐसा मिल जाता है, एक ऊपर कुछ डिजाइन ऐसा मिल जाता है, और फिर एक इसमें ऐसा मिल जाता है, तीनों डिजाइन अपने 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 लेवल में बहुत ज्यादा बढ़िया है। और बात करेंगे इसमें ब्लैक वाला जो भैया ने इंस्टॉल करा था वो ये रखा हुआ, और ये इसमें क्रोम में थोड़ा सा हैवी आ जाता है। इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और बाकी कॉस्टिंग जो होगी वो मेरे ख्याल से सिमिलर ही होगी दोनों की, वो बाद में इसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको लुक दिखाता हूँ। लेकिन जो अभी फिलहाल जो वीडियो बन रही है जिस पर्पस के लिए बन रही है, हमारी स्प्लेंडर की जो खड़ी है सामने उधर, तो उसका जो स्टॉक वाला जो है लेग गार्ड वो मैं निकालूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बेसिक लगता है, काफी ज्यादा पुराना हो गया है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाइयों के, भाई चेंज कराना है, तो आज मैं मूड बना लिया चेंज कराने के लिए। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ये लगवाऊं या फिर नीचे और लग रहे हैं, या इधर लग रहे हैं बहुत सारे, तो बाकी कुछ बाहर लगे हुए हैं, बाहर जो लगे हुए ना एकदम ठोस मटेरियल है भाई साहब, मतलब पूरा लोहा भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा, कम से कम 3-4 किलो का उसका वजन होगा मेरे ख्याल से। कितना होगा मनीष? मतलब 5 किलो मान लो है, तो गाइस 5 किलो वाले कम से कम वजन के वो है, मतलब एक अगर कहीं पंगा हो जाए निकाल के भाई बंदे के मार दे तो बंदा लेट ही जाएगा, तो कैसे काम करना मत। लेकिन जो है अब हमें डिसाइड करना है इसमें से कौन सा लगाना है, तो मैं देखता हूँ इधर भाई। मेरे को तो वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है लाइट सिस्टम है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो रात को जब चलेगी लाइट तो DRL की तरह काम करेगा लेग गार्ड में, ये बढ़िया है। इसमें ब्लैक भी रहता है, क्रोम भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक हो गया पूरा, ये क्रोम फिनिश वाले होगा, ये बुलेट के भी हैं, ये भी भारी वाले हैं, वो कुछ हल्के वाले हैं। तो जो भारी जो लगा रखे हैं, बाहर जो लगा रखे हैं काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, और वो अंदर जो लगा रखे हैं वो थोड़े हल्के हैं। तो गाइस मैं इनमें से कोई एक पसंद करूँगा जो मेरे को लगा। गाइस पूरा जो है हो चुका है, हाँ भाई हो गया लड़के, हो गया आए। तो गाइस ये जो हो गया बिल्कुल फिट, देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, पूरी बाइक हिल रही है लेकिन ये नहीं हिल रहा, ठीक है गाइस। तो लुक जो आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है सामने से, देखो कितना धाकड़ लुक आ रहा है यार इसका, ओ बेटे फुल राजपुताना लग रही गाड़ी यहाँ से लेकिन यहाँ तक ही बाहर है, देन इसके बाद इधर आ जाओ तो इधर भी इतना ही है, तो दोनों बहुत ज्यादा सेम ही है, मतलब ओके रिपोर्ट आ रही है पूरी। बाकी आपको मैं बाहर अच्छे से एक एरिया में मतलब लुक पे ले जाऊंगा, बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छा होगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा इसके लुक, कुछ छोटे मोटे शॉट दिखाऊंगा, फिर आप जो है समझ पाओगे क्या लुक आ रहा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं वहाँ पर।
सबसे पहले इसकी देख रहे हो, इसकी जो क्वालिटी है यार, मतलब कि पूरी बाइक हिल रही है इससे, ठीक है, लेकिन ये नहीं हिल रहा। और दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा ठोस है। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा भरा हुआ होगा, भरा हुआ नहीं होगा, लेकिन ये काफी अच्छी क्वालिटी और काफी मोटा है ये। मतलब इसकी जो ये दिख रहे हो ना भाई साहब, मैं फील कर रहा हूँ उसमें अंदर, नेल अगर मैं डाल रहा हूँ, गड़ा रहा हूँ, तो उसमें फील हो रहा है प्रॉपर यार, कि कोई चीज है दमदार ये। और उसका वजन कम से कम, नहीं तो भाई कम से कम मेरे हिसाब से 5 किलो या 4.5-5 किलो होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। फुटरेस्ट पे मत जाना, फुटरेस्ट दिखा दूँ आपको, ये टूट चुका है, ये कंपनी का फुटरेस्ट है लेकिन बेकार है। जैसे कि वो ठीक है लेकिन ये बेकार है, बेकार मतलब कि देखो इसके अंदर देखो क्वालिटी क्या होती है। देखो अभी मैं जैसे बोल रहा था ना लेग गार्ड की, ठीक है, तो चलो ये इससे अच्छा रिवील, और इससे अच्छा और क्या होगा दिखाने के लायक। ये देख रहे हो पाइप, ये पाइप अंदर से खुक्कल है, चलो ठीक है, लेकिन इसकी अगर ये पूरा एंड तक देते तो ये यहाँ तक देते तो ये बच जाता टूटने से, लेकिन इन्होंने यहाँ तक दिया। अब ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, उस दिन मेरी गली में एक सब्जी बेचने वाला अंकल आ रहा होगा मतलब रिक्शा लेके, उनसे लगा तो बाइक भी मतलब गिरी, मतलब पूरी रोड पे धड़ाम से नहीं गिरी, लेकिन हाँ टेढ़ी हो गई थी पूरी, लेकिन ये रबड़ थी ये खींचती चली गई, तो रबड़ टूट गई। तो देख रहे हो आप इसका हाल। लेकिन ये मैंने अभी इसलिए ठीक नहीं कराया गाइज, क्योंकि मेरे को चारों ही चेंज करने हैं, ठीक है, चारों चेंज करने हैं। कौन से डलवाऊंगा दिखाऊंगा आपको पूरा, ठीक है, वीडियो आएगी उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल आज जो है हमारा मेन ये है लेग गार्ड, तो देख सकते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। ये देखो कुछ साइड से, देखो ये साइड से ऐसी दिख रही है, ठीक है, इस साइड से आएंगे तो ऐसी दिख रही है, ठीक है, और थोड़ा दूर से देखेंगे तो बाइक को ये देखो, तो मतलब पता भी नहीं चल रहा कि लेग गार्ड है इसके अंदर लगा हुआ, क्योंकि हमने जो बाइक का लुक दिया है बेसिकली ये दिया है एक पतला, मतलब एकदम खाली खाली लुक। मैंने इंडिकेटर लगाए थे, आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इंडिकेटर लगवाए थे, वो निकाल दिए, उसके ऊपर आएंगे बाद में बताऊंगा क्यों निकाले, कुछ रीजंस की वजह से निकाल दिए, ठीक है। लेकिन जो फिलहाल बाइक का लुक है उसके हिसाब से देखो आप, इंडिकेटर भी अच्छे लगेंगे इसमें, प्लस लेग गार्ड जो कंपनी का था वो भी अच्छा लग रहा था, ठीक है गाइस। क्योंकि कई बंदे आप देखेंगे पंजाब साइड में लेग गार्ड रखते ही नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे लेग गार्ड रखना है फॉर सिक्योरिटी, एक तो इसके लिए प्लस टैंक के लिए यार, जो हमारा टैंक है वो दब ना जाए। क्योंकि आप देख सकते हो, मैं बाइक को सीधा कर देता हूँ हैंडल को, ये देखो ये लेग गार्ड है ना, बाइक से देखो कितना भार है, ठीक है, बाइक से देखो कितना भार है। अगर बाइक गिरेगी भी ना, अगर बाइक इधर भी गिरेगी, एक मिनट पेट्रोल टैंक बंद करता हूँ, दिखाता हूँ आपको पूरा दिखाऊंगा। क्योंकि यार देखो मेरे को ना बहुत कमेंट आते हैं ऐसे कि भैया आप ना वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो, मतलब वीडियो के अंदर, और बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, अच्छा लगता है देख के, तो मुझे भी अच्छा लगता है, वो सब मैसेज पड़ गए उस टाइप के। तो इसको मैं अपने हेलमेट को, ये डेली का उसका हेलमेट है हमारा, तो इसको हम रख देते हैं साइड में, साइड में कहाँ पे, चलो मिट्टी इस पर रख देते हैं, ये तुम्हारा इस पे, ठीक है। तो गाइस अभी मेरे पास कोई है नहीं, तो पहले मैं बाइक को लेटा देता हूँ, दिखाता हूँ ये एक्चुअल जो लेग गार्ड है, क्रैश गार्ड बोलो, लेग गार्ड बोलो, ये करता क्या, इसका यूज क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, ठीक है, एक मिनट। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये जो हैंडल बार है ये देखो, ये देख रहे हो, क्योंकि बाइक जो है ना हमारी, देखो मैं हिला देता हूँ, ये देखो आपको दिख रहा होगा गहराई से, ये इस पे टिका हुआ है, ठीक है, और इधर से मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, तो देखो हमारा टैंक जो है वो काफी हद तक जमीन से ऊपर है, तकरीबन मतलब मैं कितने बताऊँ यार, बहुत काफी ऊपर है, तो तुम्हारी गाड़ी अगर ऐसे भी गिर जाएगी ना, ये देखो ऐसे भी गिर जाएगी ये ऐसे, ठीक है, तो आपका लीवर भी बच रहा है, इवन आपके जो ये जो होते हैं ये बच रहे हैं, आपके जो क्या बोलते हैं ग्रिप वगैरह होते हैं वो बच रहे हैं, आपका टैंक बच रहा है पूरा पूरा। अगर आपके इंडिकेटर भी लगे होते हैं ना स्टॉक वाले, तो उसकी भी हाइट ज्यादा नहीं होती, मतलब वो छोटे होते हैं, उनकी लेंथ इतनी होती है, तो वो भी बच जाएंगे आपके, ये बच जाएगा, टेल बच जाएगी, ठीक है, और आपकी जो टैंक है बेसिकली वो पूरा बच जाएगा, ठीक है गाइस। तो बाइक देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा कि कितना कितना गैप आ रहा है, देखो गैप दिख रहे हो, और ये देखो इस पर टिका हुआ पूरा क्रैश गार्ड पे, कहाँ पे, क्रैश गार्ड पे, ठीक है गाइस। तो कुल मिला के ये है कि आपके ग्रिप बच रहे हैं दोनों हैंडल के, लीवर भी नहीं टूटेंगे आपके इवन, देखो, और प्लस मत्था नहीं टूटेगा आपका बाइक का, सॉरी आपका बोल रहा हूँ, आपकी बाइक का जो मत्था मतलब वाइजर बोलूंगा, तो वो भी नहीं टूटेगा, कैसे भी कर लो आप गाड़ी को ना, ये देखो ऐसे भी छोड़ दूंगा मैं, देखो फिर गिर गई गाड़ी, कोई बात नहीं, गिरने दो आज, आज गिरने दो, लेकिन ये जो है कुल मिला के कि आपका जो है ना वाइजर सेफ है, आपका हैंडल सेफ है, आपका टैंक सेफ है, ठीक है गाइस। तो चलो फटाफट से मैं इसे खड़ी करता हूँ, उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं इसे बाइक मैंने गिराई थी, मतलब लिटाई थी, देखो ये बिल्कुल सेफ है, मतलब अगर मिट्टी में होता तो कुछ कालापन दिखता है इसके अंदर, जैसे कि हमारा ये देख सकते हैं ये भी एकदम साफ सुथरा है, ठीक है, इस पर वजन आया, ठीक है, टैंक एकदम क्लीन, ठीक है,
ये जो होता है हमारा देखो पूरा साफ सुथरा सीट देख सकते हैं आप, कोई मट्टी नहीं है कहीं पे, मट्टी नहीं है। अब आ जाए वाइजर पे तो वाइजर देख लो ग्लॉसी दिख रहे हो भाई साहब चमक, मरगार्ड पर जो मरगार्ड चमक। तो कुल मिला के चलो गाइज आपने देख लिए लेग गार्ड और क्रैश गार्ड दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या बोलना है इसको, आप क्या बोलते हो। तो गाइज आपने देख लिए इसके फायदे, मैंने आपको पूरे पूरे फायदे दिखा दिए, इतना ज़्यादा आपको दिखा दिया गिरा के बाइक को, मतलब लेटा के पूरा दिखा दिया कि भाई गाड़ी गिरेगी इस पोजिशन में तो भी कुछ नहीं होगा, आपका टैंक पूरा पूरा प्रोटेक्ट है यार भाई। तो कुल मिला के ये कि वैल्यू फॉर मनी है, और सबसे अच्छी बात है बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है गाइज। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि जिस भाई ने ऐसा वाला लेग गार्ड नहीं लगवाया है, खासकर मॉडिफिकेशन वाली बाइक्स में, लाइक छोटी मोटी मॉडिफाई बंदा कराता ही लेने के बाद, ठीक है गाइज। तो अगर आपने नहीं कराया है तो गाइज आप ये लगवा लो, मैं मेरी बात मानो आपकी बाइक में ना टैंक टूंक कभी भी दबेगा नहीं, ठीक है इसे बहुत अच्छा हो जाएगा। 400-500 रुपये कितने, 500 रुपये 550 रुपये का मेरे ख्याल से ये वाला है, इसमें 350 वाली ही क्वालिटी है। अब मेरे कुछ भाई व्यूवर्स बोलेंगे भाई 200 का भी मिलता है 300 का मिलता है, मैं मानता हूँ आपके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई आपने 1000 रुपये की लाइट बताई, हमने 800 में लगवा ली, 900 में लगवा ली, कोई बोलता है 1200 में लगवा ली। मैं आपको बता दूँ देखो 100-150 रुपये ऊपर नीचे हर दुकान पे मिलेंगे आपको, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई क्वालिटी का भी फर्क होता है। आप कभी करोल बाग जाना, वो बोलूँगा एक तरह से मॉडिफिकेशन का एक हब है, ठीक है, वो एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पे एक ही चीज़ के ना 50 वैरायटी मिलेंगी और 50 ही तरीके के रेट मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलता कि सब जगह भाई एक ही जगह होते हैं या वो बंदा लूट रहा है या नहीं लूट रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब आप खुद आके दुकान पे जब आप लाइट चेक करोगे ना कि भाई ये 800 वाली और ये 1000 वाली सिर्फ 200 का अंतर है और दिखने में बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्राइस का अंतर है, और उसमें जब वो जब लाइट जलेगी ना, जब वो काम करेगी, जब आपको पता चलेगा कि भाई 200 रुपये कहाँ बंदा फालतू मांग रहा है या एक्स्ट्रा मांग रहा है, जो भी समझ लो आप, ठीक है। तो अब जो है ऐसे वाले लेग गार्ड 300 के भी मिल जाएंगे, 200 के भी मिल जाएंगे, 500 के मिल जाएंगे, लेकिन मैटर करता है कि क्या वो हमारी बाइक को सेफ कर रहे हैं, क्या वो इसमें इतनी वो इतने ड्यूरेबल, क्या उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि हमारी बाइक का वेट संभाल लेंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है गाइज, हम इतनी महंगी बाइक खरीदते हैं मतलब कैसे कैसे, कोई बंदा सेकेंड हैंड लेता है, कोई नई लेता है, कोई EMI पे लेता है ना, डजेंट मैटर कैसे ले रहा है, बट वो ले रहा है। तो उसके बाद अगर वो छोटे मोटे ऐसे एक्सपेंस करेगा, मतलब खर्च करेगा, तो उसकी बाइक सेफ हो जाती है, ठीक है। लुक्स तो बनते रहते हैं लेकिन गाड़ी की सेफ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली, और मैंने जो इसे लगाया ये प्रोटेक्शन के लिए भी है बेस्ट, लेकिन भाई लुक के लिए भी है, क्योंकि अपनी बाइक जो है देख रहे हो फुल उड़ता पंजाब। तो चलो गाइस ये हो गया, और बाकी अंधेरा होने वाला देख सकते हैं आप, सर्दियां है ना भाई, शाम का टाइम जल्दी से खत्म हो जाता है, मतलब दिन छोटा हो गया आजकल, तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बातें करने को बहुत सारी हैं। अभी जो है आने वाली वीडियो जो है वो होगी भाई अलॉय व्हील को, थोड़ा सा इसका लुक जो है देखते हो कितना कैसा दिख रहा है, बट थोड़ा सा ना इसको और एक लेवल ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा स्टिकरिंग वगैरह करेंगे, वो वीडियो आ जाएगी बहुत जल्दी। बट अभी फिलहाल जो है आज के लिए बस इतना ही था, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट करके बताना क्या राय है भाई लेग गार्ड लगाना कैसी लग रही है, सबसे बड़ी बात कैसी लग रही है। मुझे पता है पहले तो वीडियो में अंधेरा बहुत आ रहा है, तुम्हारा भाई थोड़ा काला दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, काले दिल वाले होते हैं, हम भी हैं, लेकिन हम थोड़े सांवले, गोरे नहीं बोलूंगा लेकिन सांवला हूं मैं। तो गाइस चलो ये तो कोई बात ही बात, लेकिन अब ये है कि बस फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियोस आती रहेंगी, और गाइस इसमें छोटे मोटे काम और कराने वाले हैं वो भी दिखाऊंगा आप साथ, जितना हो सके उतना मैं अपडेट रहता हूं, लेकिन भाई कुछ रीजंस ऐसे हैं इसकी वजह से ज़्यादा डेली व्लॉग नहीं करता, लेकिन हाँ ऑल्टरनेट डेज मेरी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चलो इसी नोट पे वीडियो को एंड करूँगा, थोड़ी सी लंबी हो गई है अवॉइड करना, लेकिन वीडियो तो मैं भाई हमेशा दिल से और अच्छी बनाता है, कोशिश करता हूँ कि सच्चाई और सफाई से वीडियो बनाऊँ, तो गाइज बस यही मेहनत लगी रहती है। तो एक बार JS पाजी की तरह मैं वीडियो को एंड करूँगा, बहुत मतलब मैं उनको फॉलो करता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, तो क्या बोलते हैं, रहमत उसकी, मेहनत मेरी, और प्यार आप सभी का। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।